हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो आज का ब्लॉग फूड ब्लॉग होने वाला है। तो हमारे मेरठ में, आई बिलोंग्स टू मेरठ, सो हमारे मेरठ में एक बहुत फेमस जगह है, वो है श्रीजी किचन। तो श्रीजी किचन में ना चूर चूर नान बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा अगर मैं खाने जा रही हूँ तो मैं आपको भी साथ लेकर चलती हूँ। वो उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल के, काजू वगैरह डाल के बहुत यम्मी तरीके से बनाते हैं, बहुत सारा बटर वगैरह डाल के। सो अब सीधा मिलता है श्रीजी किचन पे, और इस ब्लॉग के साथ ज़रूर बने रहिए। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरठ में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चूर चूर नान की वजह से। तो अब अंदर चलते हैं। है तो ये छोटी सी जगह में, बट इनका टेस्ट लिटरली बहुत 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 ज़्यादा यम है। अगर आप कभी मेरठ आते हैं, अगर आप मेरठ के रहने वाले हैं, तो चूर चूर नान ज़रूर ट्राई करें। फेमस है तो मैं यही ऑर्डर करने वाली हूँ, चूर चूर नान खाली। और कुछ खाना है हमें? अभी थोड़ी स्पेस कम है यहाँ पे बैठने के लिए, तो इतने हम अपने कस्टमर से ही पूछ लेते हैं ये कब से आ रहे हैं और कैसा यहाँ का टेस्ट है। ऑल द वे लोग फिनिश कर चुके हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमने भी अमृतसरी कुलचा वाला फेवरेट है, हमने भी वही ऑर्डर किया है अमृतसरी कुलचा ही। तो अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी आपको यहाँ का अमृतसरी और चूर चूर नान कैसा है। तो पहले इनकी दिल्ली रोड पे थी, वहाँ का मैं ट्राई नहीं कर पाई थी, अब इन लोगों ने शारदा रोड पे शिफ्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पे जरूर ट्राई करते। अमृतसरी कुलचा आप देख सकते हैं कितना बड़ा, और इसके ऊपर प्याज की गार्निशिंग हुई है। तो आप ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है खाने में। तो लेट्स ट्राई। साथ में इन्होंने दाल मखनी, शाही पनीर, रायता और सैलेड दी हुई है। तो पहले ट्राई करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट है आपका। मैं ट्राई करने वाली हूँ चूर चूर नान, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। कितने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, कितना सारा बटर डाल के इन लोगों ने दिया है। ज़्यादा दूर गार्निशिंग बोलता है, नहीं अरे दिखाना पड़ेगा यार बैक कैम से।